तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज भाई फाइनली भाई फौजी रिलीज हो चुका है काफी टाइम बाद, वेट करने के जून बाद। तो दोपहर गाइस 2 बजे गलवान घाटी जाओ इमरान फटाफट से खान भाई, जिसने चाइनीज भी डाउनलोड नहीं करा इलाके है के डाउनलोड करो एंड सीमा पर जाके एक खेलो वहां सुदूर पे। वीरान और भाई इलाके खेल के बताओ भाई गेम कैसा है। बड़ा एंड देश गाइस को खबर देते हैं मैं तो भाई खेल फौज चुका हूँ इस उससे गेम को, चलता तो बता रहे हैं अभी भाई उसी का हम भाई गेम प्ले लॉर्ड देखने वाले हैं। पर्वतों पर उस दिन फौजी कमांडोज अकेले नहीं थे। दुश्मन सैनिकों ने गिरते पत्थरों की आग लेकर फौजी यूनिट पर धावा बोल दिया। कबीर बेस कैंप स्क्वाड 3 का भारतीय क्षेत्र में घुसपैठियों से सामना हुआ। रिपीट, स्क्वाड 3 का दुश्मनों से सामना हुआ। लेफ्टिनेंट सिंह की पेट्रोल 3 टीम को जिस आखिरी विरोधी का सामना करना पड़ा वो थे भूस्खलन से गिरे पत्थर और चट्टान, और फिर अंधेरा छा गया। 6 घंटे बाद जब लेफ्टिनेंट सिंह की आंख खुली तो उनका सर चकरा रहा था। पहाड़ से हुई पत्थरों की उस बौछार से खरोंचों और घावों के साथ उनके सर पर भी चोट आई थी। अहमद, ढिल्लो, रवि। फिर भी उनकी हालत उन दोनों फौजी भाइयों से बेहतर थी जो उनके पास बर्फ में शहीद हो चुके थे। कम से कम वो जिंदा तो थे। भारतीय सेना बिना लड़े कभी हार नहीं मानती और फौजी कभी पीछे नहीं हटता। ये लड़ाई ऐसे खत्म नहीं होगी, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। बहादुरी, भाईचारे और भारत के लिए फौजी। ओ भाई साहब, फौजी तो गाइस, जब आप फर्स्ट टाइम इसको प्ले करोगे तो भाई आपको मतलब एक ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप कैसे इसमें मूवमेंट वगैरह और मार सकते हो, ठीक है। बाकी भाई ये हम जहां एंटर कर चुके हैं गेम के होता अंदर। है, वहां और भी होते हैं। हाँ भाई सही बात है, जहाँ एक घुसपैठी होता है और भी होते हैं। और भाई यहाँ पे तुम्हारा भाई 1v3 अकेले करने वाला है, वो भी हाथ से विदाउट गन। गाइस इस गेम की भाई सबसे मतलब एक थोड़ा सा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि भाई इस गेम में गन्स नहीं है, आपको मुक्को और लातों से फाइट करनी है। और भाई बीच बीच में जो एनिमीज़ के चाकू होते हैं वो गिर जाते हैं, तो आप उसको भी उठा के मतलब फाइट कर सकते हो, बट उसकी भी एक लिमिटेड हेल्थ रहती है, ठीक है। वो हेल्थ कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाती है तो फिर वो चला जाता है, फिर आप लातों और गूचे से भाई फाइट करते हो यहाँ पे। और भाई तुम्हारे भाई ने यहाँ पे 1v3 अकेले कर दिया है। और भाई इसका थोड़ा जॉयस्टिक थोड़ा सा भाई अजीब है, मतलब आप जहाँ पे भी अपना जो हाथ रख देते हो ना अंगूठा, ठीक है, वो थंब जहाँ पे भी रखते हो वो उधर मतलब वहाँ से मूव करना स्टार्ट हो जाती है, ना कि एक जगह पे फिक्स है इसकी जॉयस्टिक। तो ये थोड़ा सा है, बट हो सकता है आई थिंक अभी भाई ये बीटा मतलब बीटा तो नहीं है फाइनली, मतलब ऑफिशियली रिलीज हुआ है, बट हो सकता है कुछ टाइम बाद अपडेट में ये चीज़ भी फिक्स हो जाए और भी कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए। बट हाँ गाइस, अभी आप इसको मल्टीप्लेयर नहीं खेल सकते हो, ये भाई मतलब ऐसा स्टोरी मोड है एक तरीके का। ये भाई गनवाल जो सॉरी क्या बोल रहा हूँ गनवाल घाटी है जो, ठीक है, वहाँ पे ये जो हादसा हुआ था उसके ऊपर ये गेम बना हुआ है पूरा। तो वहाँ पे जो पत्थर मतलब जो चट्टान खिसकी थी या जो भी था सीन, ठीक है, तो वह ये है कि वो मतलब उस बीच जो हमारे कुछ फौजी भाई थे वो इस गेम के अंदर मतलब इन्होंने मतलब कैद करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो अभी भाई हमें उनको ही छुड़ाने जाना है, तो इसीलिए भाई हम इतनी फाइट वाइट कर रहे हैं। वह साले पीछे तो मार रहे हैं। ओ क्या भाई मार रहा है। ओ पाजी तुसी ग्रेट हो। ओ भाई साहब, ओ भाई, ओ ओ भाई ये शॉट तो मस्त है एकदम। हाँ तो गाइस मैं ये बोला था कि मतलब हमारे एक फौजी भाई वहाँ पे कैद कर रखा है, ठीक है, तो अभी हमें उसको छुड़ाने जाना है। तो गाइस ये गेम मैं थोड़ा पार्ट्स में डिवाइड करके अपलोड करूँगा, बिकॉज भाई एक फुल मतलब फुल गेम प्ले अगर एक ही बार में डालूंगा तो भाई पता नहीं कितना लंबा है, क्योंकि भाई मैंने भी ये गेम पूरा नहीं खेला, अभी फर्स्ट टाइम मैं इसको खेल रहा हूँ। तो जितना मेरे को पता है भाई उतना मैं आपको बता रहा हूँ इस गेम के बारे में। ओ हाँ भाई ये आम बॉर्डर नहीं है, ये भाई गनवाल घाटी है जो कि आई थिंक से मतलब चाइना की साइड पे है। बाकी गाइस आप इंजॉय करो इस गेम प्ले को, बीच बीच में मैं कमेंट्री भाई करता रहूँगा आपको। Hmm.
अबे फ्रेंड्स, काय का फ्रेंड्स, साले दुश्मन है तू मेरा। ओ भाई, इसको क्या हो गया? कायरों, तुम हमेशा तो नहीं भाग सकते। सही बात है, कायर कभी हमेशा नहीं भाग सकता है, उसको कहीं ना कहीं रुकना ही पड़ता है। तो आज ये लोग यहाँ पर रुके हुए हैं और हम इनकी धुलाई कर रहे हैं भाई, बहुत ही अच्छे तरीके से। गाइज यहाँ पे मतलब एक्सप्लोर करने को ऐसा कुछ है नहीं, ये जो चीज़ें रखी हुई है ये बस ऐसे ही शोबाजी के लिए, ठीक है? यहाँ पे ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं है आपको। हाँ, बाकी अपडेट में हो सकता है कुछ ऐड वगैरह कर दें यहाँ पे। तो ये एक भाई बॉर्डर है कोई सा। अच्छा, इसने क्या बोला कि यहाँ के कर्नल के पास कुछ जवाब होगा। अबे कर्नल का तो हमें मुंह तोड़ना है भाई जाके, जवाब क्या देगा वो? ओ भाई शॉप। अबे कितने सारे हैं भाई, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। अबे गन होती ना तो मज़ा आता ना इस फाइट करने में। भाई गन नहीं है इसमें तो थोड़ा सा मतलब मज़ा नहीं आ रहा है गेम खेलने में, बट हाँ ठीक है। पर गाइस अगर आप सोचो, अगर इसको मतलब ये मल्टीप्लेयर होगा तो कैसा होगा? इसमें यही तो होगा कि मतलब मल्टीप्लेयर में भी हमें ये सब एरिया टीम के साथ एक क्लियर करना रहेगा, बस इस गेम का मोटिव यही रहेगा आई थिंक से। वैसा भाई बैटल ग्राउंड गेम नहीं होने वाला है कि हम आपस में ही मतलब खुद से लड़ते हैं, वैसा कुछ सीन नहीं होगा। तो गाइस ये जो चाकू है ना, ये जो गिरा है इसका, मैं इसकी बात कर रहा था, ठीक है? अभी मेरी हेल्थ काफ़ी जा चुकी है। तो गाइस मैं यहाँ पे भाई अभी आपको पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे कई बारी मर चुका हूँ, बिकॉज भाई यहाँ पे ये जो चाकू से मारता है ना, इस वजह से मैं मर गया था आई थिंक से। यहीं पर मरा था, नहीं यहाँ पर नहीं, आगे जाके मैं मर जाता हूँ। ये जो चाकू है ना, इसकी मैं बात कर रहा था, ये अभी उठाएगा यहाँ पे। गाइस तो इसके नीचे जो ग्रीन ग्रीन आप हेल्थ देख रहे होगे, ये जो हेल्थ है ना, ये थोड़े टाइम तक ही रहती है, जितना आप यूज़ करोगे उतनी ये हेल्थ कम होती रहती है, तो जिस वजह से ये हमारे पास ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। बट हाँ, जितनी भी देर रहता है भाई, डैमेज से एकदम फुल दबा के देता है। तो अभी भाई हम अपनी हेल्थ बढ़ा रहे हैं। गाइस आप यहाँ आग के पास बैठ के मतलब हेल्थ बढ़ा सकते हो, ऐसा जब आपकी हेल्थ कम हो जाए तो आप यहाँ कैंप पे और बैठो थोड़ी देर, तो आपकी हेल्थ रिकवर हो जाएगी पूरी। क्योंकि इसमें फर्स्ट एड किट वगैरह ऐसा कुछ सीन नहीं है, तो आपको जो हेल्थ रिकवर करनी है वो आग के पास बैठ के ही करनी है। तो अभी थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं। फौजी कभी अपना मिशन अधूरा नहीं छोड़ता। सही बात है भाई, फौजी कभी अपना मिशन अधूरा नहीं छोड़ता है। मेरे साथी ज्यादा दूर नहीं होंगे। गाइस ये देखो इसका डैमेज देख रहे हो भाई, 37 34, और साथ साथ आप नीचे भी देख सकते हो इसकी हेल्थ भी काफी जा रही है। ओ भाई, गाइस अभी इसकी हेल्थ जाने वाली है बिल्कुल ही। अभी ये देखो अभी गायब हो जाएगा, अभी फिर से हमें लात तो घूसों से मारना पड़ेगा एनिमी को। बस इसमें ये एक चीज़ थोड़ा सा है कि मतलब जो वो जो हथियार जो हमें मिलता है ना चाकू टाइप का मारने के लिए, वो ज़्यादा देर तक नहीं रहता। गाइस यहाँ पे भाई आप जब आओगे ना, तो ये थोड़ा सा बहुत टफ फाइट है, क्योंकि ये आई थिंक से लास्ट है इस स्टेज की। तो भाई यहाँ पे मैं 2-3 बारी मरता हूँ, तो अभी जो वो कट सीन है मैं वो कर देता हूँ, क्योंकि भाई मरते हुए मैं दिखाऊँगा तो भाई आप लोग बोलोगे कि नूब है भाई, खेलना नहीं आता है। क्योंकि गाइस अभी हम आ चुके हैं। अब भाई मैंने एक ट्रिक सोची है यहाँ पे, वो ट्रिक ये है कि भाई जैसे ये मारने आते ना, आप थोड़ा पीछे आ जाओगे तो भाई ये इकट्ठे एक साथ मतलब जमा भीड़ जमा नहीं होगी, ठीक है इनका? क्योंकि होता क्या है, ये आपको देख के अलर्ट होते हैं, आपके पीछे आते, तो आप थोड़ा सा बैक मतलब थोड़ा सा पीछे आओगे तो ये एकदम इकट्ठे नहीं आएंगे सारे, ठीक है? इधर उधर थोड़ा हो जाते हैं, और बाकी आप इसके पास जाओगे तो खुद ही पिक कर लेता है उसको, जो वहाँ पे जो तलवार और जो भी पड़ा होता है, ये गन वगैरह, मतलब गन तो होती नहीं है खैर, ये जो है भाई भाई बर्छा टाइप का कुछ है। अरे भाई ये क्या हो रहा है? तो गाइस ऑलमोस्ट ये मिशन हमारा भाई डन हो चुका है। मेरे भाइयों तुम जहां भी हो, मैं तुम्हें ढूंढूं। तो गाइस अभी भाई इसके आगे मैं नहीं दिखाने वाला हूँ, बिकॉज भाई
क्योंकि ये अब नेक्स्ट पार्ट में आप देखने को मिलेगा। बाकी भाई आप खुद ही खेल के इसको एक्सप्लोर कर सकते हो कि ये गेम कैसा है। एंड गाइज इसकी ग्राफिक्स के बारे में नीचे मेरे को बताना, ग्राफिक्स ठीक ठाक है, हो सकता है आगे चल के थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाए। एंड गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई, हम 1K सब्सक्राइबर को बहुत ज़्यादा ही क्लोज है। तो गाइज मैं मिलता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।